लोकसभा चुनाव के बाद संसद में जो जहां था वहीं रहा। मोदी तीसरी बार पीएम बनकर सत्ता पक्ष में बैठे, राहुल गांधी विपक्ष की बेंच पर। बदलाव यह हुआ कि कांग्रेस को 99 सीटें मिलने से राजनीति जरूर पलट गई है। कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज भी है, लेकिन उसके हिस्से में 10 साल बाद विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद आ गया है। राहुल गांधी बन गए विपक्ष के नेता और उन्हें कहा जा रहा है शैडो पीएम। राहुल गांधी क्या करेंगे, क्या रोल रहेगा, ये समझने से पहले जानिए कि संसद में हुआ क्या। राहुल के कारण चुनाव पलटा था, अब सरकार के सिस्टम पर भी राहुल का असर रहेगा। राजनीति यहां से बदलने लगी है। राहुल अब पहले वाले सांसद राहुल नहीं रहे। 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीकर ओम बिरला से पटरी नहीं बैठती थी। आगे भी पटरी बैठेगी या नहीं पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता बनने पर स्पीकर को भी ऐसे स्वागत सम्मान अब जताना पड़ा है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मैंने संसद में विपक्ष के नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1997 की धारा 2 के निबंधनों के अनुसार लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी को 9 जून 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राहुल गांधी जब विपक्ष के नेता नहीं थे तब भी बड़े नेता थे, फिर भी मोदी के साथ कभी कोई केमिस्ट्री दिखी नहीं। मिलने जुलने गपशप करने जैसी बात कभी आई भी नहीं। राहुल के विपक्ष के नेता बनने पर लोकसभा का एक वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ, जिसमें मोदी और राहुल स्माइल के साथ एक दूसरे से हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे हैं। मौका था ओम बिरला के स्पीकर बनने का। पुरानी प्रथा के मुताबिक पीएम और विपक्ष के सबसे बड़े नेता नए स्पीकर को चेयर तक ले जाते हैं। ओम बिरला स्पीकर बने तो मोदी राहुल ने प्रथा निभाई, ओम बिरला को स्पीकर की चेयर तक पहुंचाने गए। इसी बहाने एक दूसरे से आमना सामना हुआ, स्माइल पास हुई, फिर हैंडशेक का भी मौका आया। शैडो कैबिनेट भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है। ब्रिटेन में शैडो पीएम शैडो कैबिनेट वाला सिस्टम है, जिसकी चर्चा राहुल के विपक्ष का नेता बनने के बाद शुरू हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय संसद ने 2012 की एक बुकलेट का रेफरेंस इसमें लिखा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को शैडो कैबिनेट के साथ शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है, जो मौजूदा सरकार के गिरने पर प्रशासनिक कार्रवाई संभालने के लिए तैयार रहता है। भारत में शैडो कैबिनेट कभी हुआ नहीं, कोई शैडो पीएम कहलाया नहीं। ब्रिटेन में विपक्ष का शैडो कैबिनेट सरकार के कामों पर नजर रखता है। ब्रिटेन की सांसदीय व्यवस्था से ही भारत में विपक्ष का नेता पद बना रहता है, लेकिन शैडो पीएम या शैडो कैबिनेट भारत में नहीं आया। राहुल गांधी चाहें तो विपक्ष के नेताओं की टीम बना सकते हैं, जो अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रख सकती है। जैसे राहुल शैडो पीएम भावनाओं में कहलाएंगे, वैसे ही विपक्ष की टीम भी शैडो कैबिनेट कही जा सकती है। ब्रिटेन में शैडो पीएम का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर सरकार गिरती है तो विपक्ष का नेता या शैडो पीएम नई सरकार बनाने के लिए तैयार रहता है, उसकी एक शैडो कैबिनेट भी होती है। भारत में स्थिति ऐसी है कि अगर सरकार गिरी तो जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी ही अगले पीएम बने। इंडिया गठबंधन मंथन करके पीएम चुनेगा। भारत का नंबर जुटा, राष्ट्रपति से सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। विपक्ष का नेता होने से राहुल का दावा मजबूत हो सकता है, लेकिन वो स्वाभाविक दावेदार नहीं होंगे। विपक्ष का नेता संवैधानिक पद है, लेकिन उसे सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। सरकार के कई फैसलों में विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी की राय अब जरूरी है। कैबिनेट मंत्री को मिलने वाली सुख सुविधाएं अब राहुल गांधी को भी मिलनी है। राहुल गांधी को एक सांसद से कहीं ज्यादा प्रोएक्टिव रोल में रहना होगा। राहुल ने वादा किया है कि ऐसा ही होगा। एलओपी का क्या मतलब है? एलओपी आपकी आवाज है, आपका औजार है। जो भी आपके दिल में भावना है, आपकी समस्याएं हैं, एलओपी के माध्यम से मैं लोकसभा में आपके लिए उठाऊंगा। हिंदुस्तान के गरीब लोग, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, मैं आपका हूँ। संविधान से आपकी रक्षा होती है। जहाँ भी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सप्रेस करने की कोशिश की, वहाँ पूरे दम से संविधान की हम पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। मैं आपका हूँ, आपकी आवाज मैं संसद में उठाऊंगा। ईडी,
सीबीआई डायरेक्टर, जज, चुनाव आयुक्त जैसे कई उच्च पदों पर नियुक्ति करने वाली कमेटी में विपक्ष के नेता को रखा गया है। ये व्यवस्था तब बनी थी जब राहुल विपक्ष के नेता नहीं थे। पहले मोदी के साथ बैठकों में अधीर रंजन जाते थे, अब राहुल गांधी जाएंगे। मोदी राहुल की राय माने या ना माने, राय लेनी तो पड़ेगी। हालांकि विपक्ष के नेता बनने या शैडो पीएम कहलाने के बाद भी वो पीएम से एक कदम पीछे ही रहेंगे। विपक्ष का नेता होने से संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी बनेंगे, जो सरकार के खर्चों की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। नया रोल सरकार से सवाल करने या सरकार की आलोचना करने की जिम्मेदारी बढ़ाता है। नई लोकसभा में पहले दिन से राहुल इस रोल में आ चुके हैं। स्पीकर सर, दिस हाउस represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. अब आगे देखना होगा कि आने वाले समय में राहुल अपने इस रोल को कुछ किस अंदाज में निभाते हुए नजर आते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।